हेलो गेट एस्पिरेंट्स। तो आज हम आइजन वैल्यूज़ की कुछ प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करने जा रहे हैं। ये प्रॉपर्टीज़ आपकी इम्पोर्टेंट हैं एंड इस पे डायरेक्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो चलिए फिर डिस्कस करते हैं। तो जो पहली प्रॉपर्टी है आपकी कि इफ़ एक्स इक्वल टू एक्स वन एक्स टू इज़ एन आइजन वैक्टर ऑफ ए, देन आइजन वैक्टर ऑफ ए टू द पावर एम ऑल्सो एक्स इक्वल टू एक्स वन एक्स टू। तो ये पहली प्रॉपर्टी आपकी कह रही कि अगर आपके पास कोई ए मैट्रिक्स है जिसका आइजन वेक्टर है एक्स इक्वल टू एक्स वन एक्स टू, तो अगर ए टू द पावर एम आपसे पूछे तो इसका आइजन वेक्टर क्या होगा, तो अगेन इसका आइजन वेक्टर वही होगा जो आपका ए ए मैट्रिक्स का था, तो एक्स इक्वल टू एक्स वन एक्स टू। आप अपने मैट्रिक्स की कुछ भी पावर बढ़ाते जाइए, बट उसका आपके वेक्टर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि वेक्टर्स में आप पावर नहीं लगा सकते हैं। ओके, सो आई होप ये चीज़ ये प्रॉपर्टी आपको वेक्टर की पता होगी कि आप उसकी पावर को इंक्रीज या डिक्रीज नहीं कर सकते, वो सेम एज जैसे है ए के लिए, वही ए टू द पावर एम के लिए। सपोज अगर आपके कोई मैट्रिक्स है उसका आपने स्क्वायर कर दिया, क्यूब कर दिया, 100 तक कर दिया, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जो आपकी ए मैट्रिक्स का वेक्टर रहेगा वही आपकी ए टू द पावर 100 मैट्रिक्स का भी वेक्टर रहेगा। सो आई होप ये क्लियर हो गई होगी। सेकेंड प्रॉपर्टी है आपकी कि आइजन पेयर आपकी क्या होते हैं, लेमडा और एक्स। ठीक है, जब आप आइजन वैल्यूज और आइजन वेक्टर को एक साथ लिख देते हो तो वो आपके आइजन पेयर हो जाते हैं। तो आइजन पेयर ऑफ ए आई मैट्रिक्स आर लेमडा आई एक्स आई, देन आइजन पेयर ऑफ ए आई की पावर एम इक्वल ऑल्सो लेमडा की पावर एम एंड एक्स। तो अगेन वही चीज़ मैंने बोला कि देखिए अगर आपकी कोई ए मैट्रिक्स है, ठीक है, जिसके आइजन पेयर हैं आपके लेमडा आई और एक्स आई, ठीक है, यहाँ पे आई लगा दो आप, ठीक है, तो कोई मैट्रिक्स ए आई है जिसकी आइजन पेयर हैं आपके लेमडा आई और एक्स आई, देन अगेन ए टू द पावर एम के फिर आइजन पेयर क्या होंगे, अगेन वही होंगे जो आपकी ए आई मैट्रिक्स के हैं, वही आपकी ए आई की पावर एम की मैट्रिक्स के भी होंगे। क्या लेमडा आई की पावर एम, बट जो आपका वेक्टर है उसमें आपकी पावर इंक्लूड नहीं होगी। आपकी आइजन वैल्यूज में पावर इंक्लूड हो सकती है बट आपकी आइजन वेक्टर में पावर इंक्लूड नहीं होगी। ये मैंने आपको पहले भी पिछली वीडियोस में जब हमने प्रॉपर्टी डिस्कस की थी आइजन वैल्यूज की, तो वहाँ पे भी हमने डिस्कस किया था कि अगर आपसे ए टू द पावर, अगर आपकी कोई मैट्रिक्स है उसका स्क्वायर करने पे आपको पूछे कि भाई अब इस मैट्रिक्स की आइजन वैल्यूज़ बताइए, तो आइजन वैल्यूज़ जो आएंगी उसका आपको सिंपली क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है, जिससे आपकी मैट्रिक्स में स्क्वायर किया हो। ठीक है, सपोज यहाँ पे क्यूब होता तो आपके जो आइजन वैल्यूज़ आते तो सिंपली आप उसका क्यूब कर देते। ठीक है, तो सेम चीज़ यहाँ पे भी है। तो ए की पावर एम की आइजन पेयर्स क्या होंगे, आइजन वैल्यू की आप पावर लगाएंगे बट आइजन वेक्टर में कोई पावर आपकी ऐड नहीं होगी। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे बताया गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, इसे ध्यान में रखिएगा कि आपकी वेक्टर में पावर इंक्लूड नहीं होती है बल्कि आइजन वैल्यूज में पावर इंक्लूड होती है। ओके, थर्ड जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो क्या है, इफ एक्स एक्स वन एक्स टू इज एन आइजन वेक्टर ऑफ ए, ठीक है, कोई ये मैट्रिक्स है जिसके आइजन वेक्टर हैं आपके एक्स, देन नॉर्मलाइजेशन आइजन वेक्टर ऑफ ए क्या होंगे, ये फॉर्मूला है एक्स वन अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स वन अपॉन एक्स वन का स्क्वायर प्लस एक्स टू का स्क्वायर, एंड सेकेंड वैल्यू जो है एक्स टू अपॉन अंडर रूट एक्स वन का स्क्वायर प्लस एक्स टू का स्क्वायर। ठीक है, सेम चीज़ें हैं बट यहाँ पे एक्स वन है एंड यहाँ पे एक्स टू है, एंड नीचे बॉटम में आपका अंडर रूट एक्स वन स्क्वायर प्लस एक्स टू स्क्वायर दोनों में सेम है। तो यहाँ पे देखिए अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स है ए, कोई ए मैट्रिक्स है एंड उसकी आपकी आइजन वेक्टर्स आए हैं, सपोज मान लीजिए
यहाँ पे वन और टू, ठीक है, यही आपके क्या है, ये वन और टू है, तो यही आपके क्या है, एक्स वन और एक्स टू है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपको नॉर्मलाइजेशन वेक्टर अगर आपको क्वेश्चन में पूछता है, तो यहाँ से कैसे करेंगे आप, एक्स वन अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे आप वैल्यू रखो, एक्स वन की वैल्यू यहाँ पे वन है, सो वन अपॉन अंडर रूट वन का स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर, ओके। एंड एक्स टू के लिए एक्स टू की वैल्यू क्या है, यहाँ पे ये एक्स टू है गाइस, तो टू अपॉन अंडर रूट वन का स्क्वायर अगेन टू का स्क्वायर, ओके। एंड इसको सॉल्व करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, एक्स अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स इक्वल टू, यहाँ से देखिए जो नॉर्मलाइजेशन आइजन वेक्टर आएंगे आपके क्या आएंगे, ये वन अपॉन क्या आएगा, वन प्लस ये टू का स्क्वायर यानी फोर यानी फाइव, सो अंडर रूट फाइव, ये आपका अंडर रूट फाइव, एंड सेकेंड वाला क्या आएगा आपका टू अपॉन अंडर रूट फाइव। सो आई होप गाइस यहाँ से आपको समझ में आ गया है कि नॉर्मलाइजेशन आइजन वेक्टर कैसे निकालने हैं, उसकी कंडीशन क्या होती है, कैसे वैल्यूज को आपको पुट करना है, ठीक है, आइजन पेयर्स क्या होते हैं, कैसे हम पावर लेते हैं आइजन वैल्यूज का, एंड आइजन वेक्टर को कभी भी हम पावर में नहीं लिखते हैं, पावर एग्जिस्ट नहीं करती है वेक्टर की। एंड फर्स्ट जो हमने यहाँ पे एग्जिस्ट ऑलरेडी डिस्कस किया था कि जो भी वैल्यू आपकी ए की होगी वही आपकी ए की पावर एम के आइजन वेक्टर होंगे, चाहे आप 100 हो 200 हो 300 पावर ले लें, बट सेम ही आइजन वेक्टर आएगा आपका मैट्रिक्स के लिए, ठीक है, ए टू द पावर एम के लिए भी वही आइजन वेक्टर आएगा जो आपका ए के लिए आएगा, ए मैट्रिक्स के लिए, ठीक है। तो आई होप गाइस ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं। सो कोई भी क्वेरी हो तो नीचे मुझे कमेंट में करके पूछ सकते हैं। सो मिलते हैं मैंने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।